Today's our video is about transducer. So firstly, we start from the introduction of transducer. So what is transducer? A transducer is a device that converts energy from one form to another. It means a transducer एक ऐसा device है जो energy को one form से दूसरे form में convert करता है. Usually a transducer converts a signal in one form of energy to a signal in another. Usually transducer का work क्या है कि वो एक signal को another signal के form में convert करता है. For example, transducer are often employed at the boundaries of automation, measurement and control systems. यहाँ पर क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर ही लिखा हुआ है where electrical signals are converted to and from other physical quantities. And the physical quantities like energy, force, torque, light, motion, position, etc. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ट्रांसड्यूसर में क्या करते हैं हम लोग, पहले ही बताए कि एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. और वो सिग्नल कौन कौन से डिवाइस का बात कर रहे हैं? तो वो ऑटोमेशन, मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, ये सब में यूज किया जाता है कि एक सिग्नल के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के. और वो सब कन्वर्ट करते फिजिकल क्वांटिटीज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या यहाँ पर देखे है? एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, लाइट, मोशन, पोजिशन, etc. तो ये हुआ ट्रांजिशन क्या करता है. तो इसके बाद क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर इज नोन एज ट्रांजक्शन. मतलब इस प्रोसेस को, ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजक्शन. तो नेक्स्ट स्लाइड है. This slide is about application of transducer. तो transducer का क्या application है? Transducer are used in electronic communication system to convert signals of various physical forms to electronic signals. ये definition of या introduction of transducer में ही बता चुके हैं कि transducer use किया जाता है electronics communication system में. क्या, किस लिए use किया जाता है? To convert signal of various physical forms to electronic signal. मतलब convert करने के लिए various सिग्नल, वेरियस फिजिकल फॉर्म का एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में. तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है माइक्रोफोन और स्पीकर का. तो इस डायग्राम में देखिए, ये जो माइक्रोफोन में हम लोग पहले बोलते हैं, मतलब साउंड देते हैं, वो साउंड फिर कैसे, किस प्रोसेस में जा करके फिर स्पीकर में कन्वर्ट होते. तो जो एग्जांपल था माइक्रोफोन स्पीकर में, उसमें देखिए हम लोग एक एग्जांपल, जैसे कि डेली लाइफ के बेसिस पे बता रहे हैं. अगर किसी प्रोग्राम में माइक्रोफोन पे अगर हम लोग कुछ बोलते हैं, तो माइक्रोफोन से हम लोग के कानों तक आवाज़ कैसे जाती है? उसके लिए स्पीकर होता है. स्पीकर से हम लोग के कानों तक आवाज़ जाती है, मतलब एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ पब्लिक तक पहुँचता है वो आवाज़. तो कैसे? तो वो पहले माइक्रोफोन में हम लोग वो मतलब जो सिग्नल भेजते हैं, हम लोग जो साउंड भेजते हैं, वो फिर यहाँ पर कैसे कन्वर्ट होता है? ट्रांसड्यूसर में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होता है, फिर वो ट्रांसमिट होता है. वो जो हम लोग का मतलब वॉइस है, वो ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू. फिर वहाँ कहाँ रिसीव किया जाता है? रिसीव करते हैं हम लोग स्पीकर में. जो ये रिसीवर है, ये जो हम लोग के साउंड को वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के सबसे प्रोसेस से फिर हम लोग के कानों तक पहुंचती है. वो सब किसका वर्क है? वो एक ट्रांसड्यूसर का वर्क है. तो फिर ऐसा एक एग्जांपल जैसा के लिए हम लोग माइक्रोफोन और स्पीकर का, उसके ऐसा बहुत सारा अलग अलग और एग्जांपल्स है. जैसे कि ये देखिए एंटेना. एंटेना में क्या है? एंटेना का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू एंड फ्रॉम कंडक्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक कार्ट्रिज. ये इसका क्या वर्क है? इट कन्वर्ट्स रिलेटिव फिजिकल मोशन टू एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. नेक्स्ट क्या है? टेप हेड, डिस्क रीड एंड राइट हेड्स. ये भी एक तरह का एग्जांपल्स है ट्रांसड्यूसर मशीन्स का. ये क्या इसका वर्क है? इट कन्वर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मैग्नेटिक मीडियम टू एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. नेक्स्ट है हॉल इफेक्ट सेंसर. इसका क्या वर्क है? इट कन्वर्ट्स ए मैग्नेटिक फील्ड लेवल इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका बस ट्रांसड्यूसर का काम है कन्वर्ट करना सिग्नल्स का. तो एंटीना में कैसे क्या कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक कार्ट्रिज में कैसे क्या कन्वर्ट होता है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है. वो देख के आप पढ़ के इजिली समझ सकते हैं अगर आप
ट्रांसड्यूसर के इंट्रोडक्शन को समझे और उसका वर्क और एप्लीकेशन अगर समझ पाए तो. तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर. टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर. फर्स्ट इज मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. तो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में क्या है, ट्रांसड्यूसर डेट कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज इंटू मैकेनिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर. तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको इंट्रोडक्शन के वाले पार्ट में ही बताए थे. फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एनर्जी, फोर्स, टॉर्क, लाइट, मोशन एंड पोशन. तो नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. तो इसका क्या वर्क है, दैट ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटीज इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर नॉन एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. मतलब फिजिकल क्वांटिटीज वही जो इंट्रोडक्शन में बताए थे. तो फिजिकल क्वांटिटीज वही सब है. और उसको इसमें क्या है, जैसे कि इसमें पहले बताया था, इस मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में फिजिकल क्वांटिटीज को मैकेनिकल क्वांटिटी में ट्रांसफर करता है ट्रांसड्यूसर, मीन्स कन्वर्ट करता है. और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, थर्मोकपल डेट चेंज टेम्परेचर डिफरेंसेज इंटू ए स्मॉल वोल्टेज, और दूसरा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफर, मतलब LVDT, इट इज़ यूज टू मेजर डिस्प्लेसमेंट. तो ये दो इसका टाइप्स था. और ट्रांसड्यूसर का चैप्टर बस इतना ही है, बाकी जो सब पढ़ाए थे पहले से क्लास में वो सब पढ़ो, ये सब पढ़ो, सबका एक बार करके टेस्ट लेंगे. ठीक है, थैंक यू.